अगर इस मिनी ताजमहल की बात की जाए तो ये मकबरा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेल न्यूज एंड ब्लॉग। दोस्तों, आज की जर्नी, आज की टूर और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि मैं आज आपको सैर कराऊंगा लखनऊ के बहुत ही बड़े छोटा इमामबाड़ा का, और इसका फुल वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। और इमामबाड़ा वो रहा, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और एक लाइक के साथ और एक सब्सक्राइब के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपका भाई छोटा इमामबाड़ा भी पहुँच चुका है, तो चलिए आपको दिखाते हैं छोटा इमामबाड़ा कैसा लगता है व्यू और कैसी है ये छोटा इमामबाड़ा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेल न्यूज एंड ब्लॉग्स। मैं हूँ गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेल न्यूज एंड ब्लॉग्स, तो बने रहिए हमारे साथ। और ये खूबसूरत तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं, छोटा इमामबाड़ा लखनऊ। देखिए कितनी खूबसूरत है ये तस्वीरें, कितनी खूबसूरत है ये पार्क, देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से गार्डनिंग की गई है, आप देख सकते हैं सुंदरता देखिए। देखिए फाइनली पहुंच चुके हैं छोटा इमामबाड़ा के अंदर। कल कहाँ रह रहे हैं आप? बस वही स्कूल बच्चों का। वो देखिए, आप उसे मिनी ताजमहल कह सकते हैं, मिनी ताजमहल। अगर छोटा इमामबाड़ा की बात करें तो इसे हम हुसैनाबाद इमामबाड़ा मुबारक भी कहते हैं, और इसे नवाब के जो अवध थे मोहम्मद अली शाह ने इसका निर्माण कराया था। इस पूरे महल को बनने में लगभग 54 वर्ष समय लगा था, और ये 1838 में बन के तैयार हुआ था, जो कि उस समय के नवाब जो थे उन्होंने ये भवन या इमारत जो है सिया मुसलमानों के लिए बनाया था। इसमें जो है उनके करबला को भी रखा गया है, अब जैसा कि देख सकते हैं। तो ये छोटा इमामबाड़ा का गुंबद है, आप देख सकते हैं, ये मिनी ताजमहल जैसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अगर इस मिनी ताजमहल की बात की जाए तो ये मकबरा है, जो कि पुत्री है हज़रत मोहम्मद अली शाह बहादुर की, जिनका नाम शहजादी साहिबा थी, उनका ये मकबरा है, आप देख सकते हैं। जिसे हमने मिनी ताजमहल कहा है वो एक मकबरा है शहजादी साहिबा का, जो कि मोहम्मद अली शाह बहादुर की पुत्री थी, आप देख सकते हैं। इसे कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, इसे लगभग मकबरा को एक महल के रूप में स्ट्रक्चर किया गया है, आप देखिए। बीच में एक वाटरफॉल भी बनाया गया है, देख सकते हैं, जो कि इसे और भी खूबसूरत बनाती है इस छोटा इमामबाड़ा को। छोटा इमामबाड़ा के अंदर ही देखिए कितनी खूबसूरत एक मस्जिद बनाई गई है, जहां लोग आके नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए ये मस्जिद को बनाया गया है, आप देख सकते हैं। इसके आगे देखिए कितनी अच्छी फुलवाड़ी की गई है, फूल कितने अच्छे अच्छे फूल लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। हमाम है,
चलिए शाही हमाम के अंदर की कुछ तस्वीरें को दिखाते हैं। वो रही शाही हमाम जहां उस समय के लोग स्नान किया करते थे। तो कैसी लगी आपको ये छोटा इमामबाड़ा का मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। इसी तरह के खूबसूरत बिल्डिंग भवन और अच्छे अच्छे न्यूज़ आपको दिखाऊंगा, अच्छे अच्छे ब्लॉग में दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए बाय, सी यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।